10 तरह की स्त्रियां जो शास्त्रों में अच्छी मानी जाती हैं। भारतीय परिवारों में नारी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें पोषण का वरदान दिया है। यह बहुत पुरानी सूक्ति है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्री के कुछ लक्षण वर्णित हैं। आइए जानते हैं उनमें से प्रमुख लक्षण क्या हैं। सौभाग्यवती नारी वह होती है जो मीठे वचन बोलती है, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हो। आस्तिक सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली लक्ष्मी का रूप होती है। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, जो घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, प्रायः सुख दुख देखकर दुखी हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करे, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसे, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती है, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करती है, पतिव्रत धर्म का पालन करे, अपना और पति का अपमान सहन न करे, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखे। वे महिलाएं जो होती है ए लक्ष्मी का रूप। जो स्त्री मैली कुचैली सी रहती है, वो जो पाप कर्मों में रत रहती है, पराए पुरुषों से जिनका मन रमता है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जो छल कपट या मिथ्या भाषण करती है, जो व्यभिचार करती है, जो अपने घर को संभाल कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, जो अपनी संतान से स्नेह नहीं करती, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती हैं, जो पराधिक गतिविधियों में शामिल होती हैं, जो इधर की बात उधर करती हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।